आइसोमेरिज्म, क्या होते हैं, डोनर दो होते हैं,
समझ गए लिंकेज ऐसे मैं आगे बढ़ा अच्छा समझ में जैसे मैं एग्जांपल देते हुए हमारे से बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए एनसीईआरटी कि आइडेंटिफाई द आइसोमेरिक फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई करो तो देख लेना या फिर कई बार क्या डायरेक्ट कर रहा था लिंकेज आइसोमेरिक फॉर एग्जांपल तो एग्जांपल ध्यान रखे या आइसोमेरिक को तो आप और कीजिए टू एज इसमें तुम एग्जांपल अपने मन से बना सकते कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाओ उसमें से ही कौन सा भी लिगेंड प्रेजेंट कर दो कोई भी एक मेटल लगा दो जैसे देखो मैंने सपोज करो मेटल की फॉर्म में ओआर ले लिया और लिगेंड की फॉर्म के अंदर मैंने क्या ले लिया सीएन ले लिया तो समझ में आ रही बात चार सपोज करो मैंने माइनस फोर कर दिया तो ओआर के सेकंड आ जाएगा ध्यान रखे चार इस तरीके से लगाना कि मेटल की पॉजिटिव चार्ज कहीं भी चार्ज प्लस का लगा दो मेटल माइनस आ जाएगा गलत हो जाएगा एग्जाम्पल तो देखो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस टू आ जाएगा अब इसका आइसोमर कैसे बनाएंगे तो 6CN हो रहा है हमने उसकी जगह पर क्या लगा देंगे NC लगा देंगे समझ गए ऐसे N अलग अलग भी हो सकते हैं अलग अलग का मतलब जैसे कि तो होमो डायरेक्ट था NC भी हो सकता है CO सपोज करो H2O लगा दिए मैंने 4 और 2 मैंने क्या लगा दिया CN लगा दिया इस तरीके से कर सकते अरे बार ढंग से समझ में अभी भी एक बार सेकंड ही है क्योंकि माइनस का हो गया ना चार अब इसमें देखो ये एनसी हो जाएगा तो इसको नहीं बदलना है आपको ये ध्यान रखो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर एक भी एम्प्लीट्यूड आ गया ना एक भी एम्प्लीट्यूड तो उसकी आइसोमेट्रिक लिंकेज आगे बार ढंग से समझ में किसी को दिक्कत है लिंकेज होगी उसमें कंपल्सरी है कि लिंकेज होगी होगी अगर उसमें एम्प्लीट्यूड ठीक है लिंकेज के अलावा पर और भी हो सकती है वो भी एग्जांपल देखो तो उसमें पता चल जाएगा तुम्हें कि और लिंकेज के अलावा और कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होगी अब आता है सेकंड एग्जांपल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नाम से ही पता चलता है आयनाइजेशन मीन आयंस एक्सचेंज होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन रहता है वो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आयन रहते हैं वो चेंज हो जाएंगे जैसे देखो मैं काम बताऊं तुम लोगों को ये बात मिला है वो एलआईसी कार्ड में देना ठीक है आज आपको पूरे नोट्स सेंड कर दिए हैं कि स्ट्रक्चर के ठीक है मैं पूरे नोट्स आप लोगों को सेंड करूंगी ये पूरे आप लोगों को पेपर पे में काम करने का समझ में आ गई बात पूरी आइसोमेरिक नोट्स की एप्लीकेशन वगैरह वो भी कर सकते अब देखो ध्यान दे ये सभी आई माइट जस्ट नाउ सो मैंने अभी मैंने बताया आई जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूं देखो सीओ मैंने लिख दिया H2O यहां मैंने लिखा Br2 और ब्रैकेट के बाहर एक मैंने सी कोड पे ध्यान दे क्या किया है मैंने अब मैं इसका आइसोमर बता बनाऊंगी ये आयन है क्या H2O नहीं ये तो न्यूट्रल है आयन कौन है Br2 है और उधर आयन कौन है Cl तो ये क्या होगा सीएल टू ब्रेकिंग के अंदर आ जाएगा और बीआर टू ब्रेकिंग के बाहर जाएगा एक्सचेंज होगा आयंस का न्यूट्रल का नहीं कहीं तुम सोचो मैडम थोड़ी बात ध्यान रखो आइसोमर बनाते टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर कभी चेंज नहीं होना चाहिए जैसे ब्रेकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है तो 6 ही रहना चाहिए अब ये बताओ इसके कितने आइसोमर बना सकते हो इसके मैं 3 आइसोमर बना सकती हूँ कैसे सबसे पहले मैं एक बीआर को बाहर कर दूंगी एक सीएल को अंदर समझ में आ रही बात एक बीआर एक सीएल अंदर रह जाएंगे एक बीआर एक सीएल बाहर चला जाएगा फिर दोनों बीआर को बाहर भेजोगे दोनों सीएल को अंदर समझ में आ रहा है टोटल कितने हो गए कंफर्म 3 बन समझ में आ गई बात ढंग से ठीक है इसके 2 आइसोमर बनेंगे तो एग्जांपल बनेंगे और 2 बन जाएंगे ठीक है H2O का कुछ नहीं करना है तुम्हें H2O न्यूट्रल स्पीशीज है तो न्यूट्रल चेंज नहीं होगी कभी बाहर वाले से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो है जिसमें आयंस क्या होते हैं एक्सचेंज होते हैं अगली बार ढंग से समझ में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कराओगी ना तो दिमाग में बिल्कुल ऐसे पत्तियां जल जाएगी कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ठीक है हाँ बेटा क्या हो सकता है हाँ बिल्कुल हो सकते हैं ये चीज ध्यान रखना है नंबर नहीं बदलना चाहिए यहाँ टोटल नंबर 6 है तो कोई भी आइसोमर बनाओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा
कहीं ऐसा नहीं तुम दो रोटी आठ उठा के फेंक दो, रे किसी अलग कर दे, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदल दो, समझ में आ गई बात। अभी सपोज कर यहाँ पर सी आर सी एम ऐसे फोर होगा कि ए, तो बेटा ये केवल ए कैसे फोर अंदर आता, बी आर में ही नहीं रहता, उसकी जगह ए भी आ। अगर आप ए आए को एक्सटेंड कर रहे हो तो अंदर और बाहर से फेंक के आए एक्सटेंड, अगर दो आए अंदर आते हैं तो दो ही भी बाहर, समझ गए ठीक है। आप ध्यान दे, हाँ जी, आप देखो नेक्स्ट खड़ा है इसमें कितने आ जाओ, एक्स हो गया आई हो लिंकेज एम्बेडेड इंटीग्रेट होगा, आयनाइजेशन आयंस एक्सचेंज होंगे, कोऑर्डिनेशन एल आई सी सी सुने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं पहचानते हो कि नीच पता बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड के पेपर 2015 में क्या क्वेश्चन है ध्यान से सुने, दो कॉम्प्लेक्स करा के देंगे आइडेंटिफाई द आइसोमेरिज्म इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, इसमें नाम लिखिए कौन से आइसोमेरिज्म हो, मतलब लोगों को ये बहुत काम आएगी चीज कि आयन से अंदर बाहर इसका मतलब आयनाइजेशन है, समझ गए। तो आप देखो हर अपने आके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की पहचान सबसे बड़ी ये है कि दो स्क्वायर ब्रैकेट आपको एक साथ दिए गए तुमने आईपीएस में सॉल्व किए थे, दो दो ब्रैकेट वाले दो दो ब्रैकेट वाले होंगे यहाँ, समझ में आ रहा है, दो ब्रैकेट एक साथ आपको दिए गए आएंगे तो समझ आए वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा कैसे, इसमें एक कैटायन होगा आपको पता है आगे बढ़ने वाला ब्रैकेट कौन सा होता है कैटायन और दूसरा कैटायन, तो देखो जैसे एग्जांपल में इसमें मान लो इसमें लिखा सीआर देखो नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रेट कंपनी H2O
क्या होगा इसमें, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल आपका H2O वो जाएगा इस बार स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर या फिर आएगा अंदर, बाहर होगा परसेंट में वो अंदर आ जाएगा, अंदर होगा तो उसको हम बाहर ले जाएंगे। जैसे देखो एक बार ध्यान से सुने, मैं ये एग्जांपल में तुम लोगों को ये बताओ इसमें और आयनाइजेशन में क्या फर्क है। आयनाइजेशन आइसोमेरिक में अंदर भी आयन होता है बाहर भी आयन, अब इसमें बाहर तो आयन है पर अंदर तो नहीं आयन, अंदर तो क्या है H2O। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर H2O जा रहा है, H2O का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो H2O वाली आइसोमेरिक होगी हाइड्रेट आइसोमेरिक। अब देखना मैंने कौन कौन से आइसोमर बनाए, बनाते जाओ नंबर वन रहेगी इसका आइसोमर, देखना एक H2O को बाहर ले जा रहे हैं और एक Cl को अंदर ले लिया, समझ में आ गई बात। तो Ti H2O कितने रह गए बताओ 5, एक Cl आ गया अंदर। अब देखो एक H2O बाहर जा गया और Cl कितना रह गया, यहाँ एक Cl को अंदर ले गया मैंने। अब भी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए कभी भी। और शाम को पूछ रहा है ना इनके भी कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान दे कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम ही रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट का कभी भी किसी भी आइसोमेरिक में देख ले कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलता है। ये नहीं है कि तुमने एक्सचेंज कर दिया उधर से 4 रखा है और उधर 2 ही रख दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बता रहा हूं मैंने क्या किया कि मैंने 2 H2O बाहर भेज दिया, 2 Cl अंदर ले लिया, मेरे पास हो गया Ti H2O कितने हो गए O और Cl का नंबर कितना हो गया, अब बाहर कितने हो गए H2O और एक हो गया Cl, ये इसका दूसरा आइसोमर नंबर। नेक्स्ट ध्यान दे मैंने तीनों Cl अंदर लेके तीनों H2O को बाहर भेजा तो तीन H2O बाहर चले गए, तीन Cl अंदर आ गए। लेकिन बेटा एक बार ध्यान से सुनते तो अभी नेक्स्ट आइसोमर बना है इसका H2O कितने हो गए तीन, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ध्यान से सुन लो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर H2O का नंबर हाइड्रेट आइसोमेरिक के बराबर होना चाहिए, समझ में आ गई बात। अगर बराबर हो जाता है तो उसका आइसोमेरिक नहीं, समझ में आ गई बात। H2O के अंदर भी नंबर 3 है बाहर भी नंबर कितना है तो ये इसका आइसोमर नहीं होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर मतलब अपना ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रैकेट का नाम क्या था, मैंने तुम्हें स्कूल में डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समझ गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और आयनाइजेशन स्फीयर बाहर वाले आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में एक्वा का नंबर इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल हो जाता है तो वो उसका आइसोमर नहीं होगा कभी भी, तो फोर्थ नंबर वाला इसका आइसोमर नहीं है, केवल इसके कितने आइसोमर बन रहे हैं तीन, ये तीनों है, समझ गए क्या। किसी को डाउट है कोई, अभी मेरी बात एक बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, तो क्या ये बताओ मुझे स्पष्ट कर देगा नाम को मोस्टली स्टूडेंट जान क्या है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, समझ गए क्योंकि ना आगे है ना ब्रैकेट पे माइनस है, टाइटेनियम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 3 और मास में क्या कर गया आपने हो रहा है, मुझे सेकंड वाले का नाम बताओ, सेकंड वाले में मुझे बताओ इस बाहर वाले H2O का नाम क्या होगा, नाम बताए क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था बाहर वाले का कॉमन नेम लिखा जाता है हमेशा, बताओ देखे। शाम कह रहा हाइड्राइड, हाइड्राइड की हाइड्रेट, अरे H2O का नाम हाइड्रेट होता है कॉमन नेम, ऐसे लिगेंड अपन ने यूज किया था जब उसका नाम एक्वा था बेटा, वैसे इसका नाम होता हाइड्रेट। अगर NH3 है सपोज करो ब्रैकेट के बाहर, NH3 के बाहर है उसका नाम अमोनिया होगा, अगर वो ब्रैकेट के अंदर हो तो उसका नाम एमीन होगा,
समझ में आ गई बात, ब्रैकेट के अंदर अमोनिया नहीं हो, ब्रैकेट के बाहर अमोनिया। अब ये एक्वारी है, ये क्या है, हाइड्रेट है, H2O का नाम होता है हाइड्रेट। समझ में आ गई बात, तो इसका नाम आप देखो कैसे करोगे, तुम्हें तुम्हें यहाँ से प्रोटोकॉल नहीं है बैठना है, तो आप कोई दो हाइड्रेनियम ऑक्सीडेशन नंबर तो प्रोटोकॉल रहेगा 3। अब चलते हैं इधर देखो बोर्ड पे क्या हो, इसका नाम हाइड्रेट है और इसका नाम क्लोरीन क्लोराइड है। तो पहले एल्कोहाइड के अकॉर्डिंग क्लोराइड आएगा, उसके बाद हाइड्राइड। अगर मान लो दोस्त अलग अलग लिगेंड दे दो ब्रेक के बाहर, तो उन्हें भी एल्कोहाइड लगानी पड़ेगी। समझ गए क्या, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है तो ये अपनी हाइड्रेट आइसोमर कंप्लीट। ये चार तो तुम्हें कॉपी में करनी है, पेयर में तो अलग में ये भी नोट्स में भेज दूंगी तुम्हें नॉलेज के लिए, उसको बस स्टार लगा के लिख लेना, वो सिलेबस में आपके काउंट नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट आपके पॉइंट जो कि प्राइस
फिर ले जाओ चार हो या रेस्ट कर ले आओ चार हो या इसको कर ले दो सब आयुष उम्र बन तब तक आयुष उम्र बनते जाएंगे जब तक सारे उधर वाले लिगेंड उधर नहीं चले गए समझ गए वो सारे इसके आयुष उम्र बनेंगे वो एच को एक्वा वाली जो कंडीशन पड़ी थी ना तुमने वो तो उसमें थी कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और अंदर नंबर बराबर नहीं होना चाहिए यहाँ तो नंबर का लगता है यहाँ तो लिगेंड या ना लगा होंगे समझ में आ गई क्या बात अच्छे से जो लीनियर लाइन के ऊपर लिगेंड रहते हैं उनको एक्सचेंज करना इस तरीके से अपने आयुषों में इनको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था स्ट्रक्चर और स्टीरियो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गए जिसके फाइव टाइप्स थे एलआईसी खत्म सात फटाफट बोले क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है एलआईसी खत्म सात स्नेहाशीष नॉमनक्लेचर अभी बताया था ना मैंने बेटा तुझे देख स्नेहाशीष दोबारा नाम दे तो वही आया कि कैसे का इधर से चल टेट्रा आएगा लिगेंड का तो सबसे पहले लिगेंड के बाद मैटर नहीं टेट्रा आएगा फिर उसका नाम होगा कोबाल इस पे कोटेड चार का कोबाल टेट्रा आएगा कोबाल इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के लिए करेगा जो दो मेटल का नाम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अब आगे चलिए है ब्रिज वाले के तो बेटा ब्रिज वाले के नॉर्मल प्लेस के लिए तो न्यू लगा समझ में आने का न्यू लगा अब न्यू में ये देख दो को लिए अगर सेम है तो न्यू टाइप लगेगा अगर अलग अलग है तो फिर क्या लगेगा न्यू एमिडो न्यू टाइप इंग्लिश अल्फाबेट के ठीक है न्यू एमिडो न्यू टाइप तो फिर आगे जब कर जाए तो ये लिगेंड है ये मेटल है लिगेंड का नाम है टेट्राएमाइन ओवर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह था क्या ठीक है दो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा दो दो आएगा सिद्धार्थ क्या पूछ रहा है नंदिनी मैम लास्ट फिर से बता दो नंदिनी देख बेटा जो लिखा हुआ है उसमें देख क्या कहा मैंने कोऑर्डिनेशन ब्रिज आइसोमेरिज्म है जो कोर्स में नहीं है नॉलेज के लिए ध्यान रखो कि इस आइसोमेरिज्म में जो लीनियर वाला टाइप को तो लिगेंड कर रहे होते हैं वो आएंगे ब्रिज में जब तो इसका नाम है कोऑर्डिनेशन ब्रिज तो ब्रिज वालों के साथ कुछ नहीं करना तो लाइन पे ना उनकी पोजिशन बदल देना जैसे सपोज करो इस साइड पे चार है इधर वाले पे भी चार है एक एक को लाओ एक इधर वाला एक लाओ इधर वाला एक लाओ फिर दो लाओगे फिर दो लाओगे फिर तीनों लाओगे ऐसे करके चार को आगे चार वाइट को कर देंगे है कि पार्ट माइनस और चार माइनस की तरह समझ में आ गया बात चार ऐसे बन जाएंगे एक एच हो जाएगा एक एन एस भी आएगा फिर दो जाएंगे तो दो एन एस की तरह आएंगे फिर तीन जाएंगे तीनों लास्ट में चार वाइट को अगर चार वाइट समझ गए हाँ मैं कोई कुछ कह रहा था 15 से ऑफलाइन सिद्धार्थ अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है बेटा 15 से ऑफलाइन नंदिनी समझ में आ गई बेटा बात सभी स्टूडेंट्स को आ गई क्या एक बार यस या नो में आंसर दे कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म समझ में आ गई ठीक है बेटा अब सेकंड टाइप पे आ जाओ अरे अभी तो मजेदार कहानी है देखो कितना इजी लगा तुम्हें अब सेकंड आ जाओ कोई कुछ पूछ रहा है क्या पूछ रहा है देखिए ध्यान दो इसका मैसेज ढंग से टाइप ही नहीं हुआ क्या क्या लिखा है बेटा तूने मैम बीबीटी वालों को कौन दिव्या बीबीटी वालों को कैसे पता चला था कि पेयरिंग होगी या नहीं क्योंकि ये तो उनकी लिमिटेशन थी ना कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे बी को दिव्या मेरी बात ध्यान से सुन उन्होंने बी को स्ट्रॉन्ग लिगेंड की डेफिनेशन नहीं दी डिसएडवांटेज लिमिटेशन में तुमने क्या पढ़ा था कि बीबीटी डज नॉट डिफरेंशिएट स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाई थी कि अपन स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग कराता तो बात से पता जैसे तुमने मेरा कैरेक्टर बताया कि मैडम क्या करती है केमिस्ट्री पढ़ाती इस तरीके से समझा समझ में आने बात लेकिन तुम्हें वास्तव में ये नहीं पता कि जैसे मैं एक एक लाइन में होता कि मेरी वास्तव में डेफिनेशन क्या है क्या मेरा नाम है क्या मेरी पहचान है तुम्हें मेरा वर्क पता है तो ठीक वैसे ही बीबीटी ने जो एक्सप्लेन किया था वो स्ट्रॉन्ग ऑफ बी लिगेंड के वर्क को एक्सप्लेन किया ना कि उसकी डेफिनेशन समझ में आने बात उसका लिमिटेशन था तो डिफाइन नहीं कर पाई
जैसे अपन ने सीएफटी में क्या डिफाइन किया, सीएफटी में पहले कितना था पेडिंग कर लेते, अपन ने डिफाइन किया था कि तुम्हारा डेल्टा ओ क्या होता है, ग्रेटर देन पी होगा, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी की पेडिंग एनर्जी कम होने की वजह से, डेल्टा ओ ग्रेटर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता, इस वजह से जंप नहीं करेगा तो वो क्या कर देगा, पेडिंग कर देगा। इस टाइप के लिगेंड को अपन ने स्ट्रांग फिट लिगेंड कहा। और वी वी के अंदर क्या होता है, पेयरिंग बहुत हाई होती है तो पेयर होने के लिए नहीं जा पाता, फिर वो क्या करेगा, वो डेल्टा ऑपरेटर होगी तो सीधा ऊपर जाएगा। समझ में आ रही बात, इसलिए उसका स्पिन हाई हो जाता है, वीक वाले का स्पिन हाई हो जाता है, स्ट्रांग वाले पेयरिंग करने पर उनका स्पिन लो हो जाता है। आगे क्या दिव्या बात समझ में? हाँ बेटा बोलो जल्दी। ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे, आ जाओ फटाफट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या कह रही है अपने एग्जांपल में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म सब जानते हैं क्या होता है स्टीरियो का, देखो डेफिनेशन कुछ बदल रही है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आएगा, पहले तो कह रहे थे मॉडल के जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 3D में बनती है स्पेस में, वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। समझ में आ गया बात? तो अभी देखते हैं अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जैसे स्ट्रक्चर तुमने टू टाइप्स पढ़े थे स्टील, सॉरी नहीं फाइव टाइप्स एनालिसिस खत्म सा, अपन स्टीरियो के पढ़ेंगे टू टाइप्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू टाइप्स की होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन सी है ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल गौर करके देखेंगे, फर्स्ट कंपटीशन का मैं बहुत ज्यादा अटेंशन एग्जांपल देगा, कैसे कह देगा कॉम्प्लेक्स को पहचानो कौन सी आइसोमेरिज्म है, उस समय तुम्हारे एनालिसिस का साथ मार कर पहुंच के स्टीरियो के दोनों टाइप साथ आइसोमेरिज्म हो गए। तो देखो किस टाइप से, एक है जॉइंटेड आइसोमेरिज्म और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जॉइंटेड एंड ऑप्टिकल। फर्स्ट आ जाओ जॉइंटेड आइसोमेरिज्म क्या होती है, ध्यान दे वही अपने कोर्स में टू टाइप्स की कॉम्प्लेक्स के लिए, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बेटा कंडीशन सुन लो, देख ले कॉम्प्लेक्स को पहचान ले। कंडीशन नंबर 1, वही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री शो करेगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स में कभी भी ज्योमेट्री आइसोमेरिज नहीं हो सकती। होमो का मतलब जानते हो, सारे लिगेंड क्या है सेम है, अरे सारे लिगेंड सेम होंगे तो अपने को करना क्या है, कोई भी दो लिगेंड को बताना है उनको या तो सेम डायरेक्शन में रखना है या फिर उनको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, यही होती है ज्योमेट्री आइसोमेरिज। तो कंडीशन क्या है, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, कितना भी हो उसका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो सदैव हमेशा कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक होना चाहिए। समझ गए? जैसे आप इस सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 6 का ले लो, मान लो तेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल को मैंने एम ले चार लिगेंड एक टाइप के डिब्बे में ले एक और ले दिया, दो को मैंने अलग ले लिया, एक और बी टाइप का कॉम्प्लेक्स बना दिया। समझ में आ गई बात? एक और बी का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स, चार सेंट्राइड हो गए दो अलग। आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो सिक्स, इसकी ज्योमेट्री बनाओ, कैसे बनाएंगे? ज्योमेट्री का मतलब है जो दो में अलग दिख रहे हैं ना लिगेंड बी वाले, इनको तुम्हें एक ही डायरेक्शन में रखना है तो बनेगा सिस, और उनको अपोजिट डायरेक्शन में कर दो तो बन जाएगा ट्रांस। तो पहले मुझे बताओ सिस वाले की शेप कैसी होती है, ओक्टा है, देखो ऐसे बनाएंगे इसका ज्योमेट्री ऐसे, एम मिलेगा बीच में चारों ए और बी, ये देखो बी इस लाइन पे लगाना है अपने बी, अगर तुमने बी को इस लाइन पे बिठा दिया या ना बिठा दिया मैंने बी को, समस्या ये आ गई हमारी, बताओ बेटा कौन सा इसको है, ये है ट्रांस, ये क्या है ट्रांस है, कैसे है ट्रांस, क्योंकि इस बी का कहाँ है ऊपर की तरफ जबकि इस बी का कहाँ है नीचे। ध्यान से सुन ले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में एक पर बी टू टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है तो तुम्हें ए को नहीं देखना है, तुम्हें किसको देखना है, बी को, अगर वो बी फ्रंट लाइन पे खड़ा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, तो वो उसकी ट्रांसफॉर्म है। तो कहीं मैडम सिक्स कैसे बनाए।